गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लावण्या वान्या व्लॉग्स। और आज है 6 अगस्त और आज है मेरा बर्थडे। तो इस टाइम आप देख रहे हैं कि वान्या कितने मस्ती के मूड में है, वो खेल रही है। मैं उसके यहाँ पे वीडियो बना रही थी और वो अलग अलग पोजेस बना रही थी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सोचा तो था आज हम कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन मम्मी जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मैं भी थोड़ा लो फील कर रही थी, इसलिए हमने सोचा घर में ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ऊपर से हमारे घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था। एक्चुअली हमने अपनी टाइल्स चेंज कराई हैं किचन की, अभी मैं आपको टाइल्स दिखाती हूँ। तो ये हमारी किचन है, किचन की एक ये टाइल टूटी थी सिर्फ, जिसकी वजह से हमें पूरी टाइल जो है वो चेंज करानी पड़ी थी। जो दरार दिख रही है ना आपको, इसकी वजह से नीचे वाले फ्लोर पे बहुत ज़्यादा पानी जा रहा था। अब इस वजह से हमें पूरी किचन की टाइल्स जो हैं वो चेंज करानी पड़ी थी। अब चेंज कराने के बाद जो टाइल दिख रही हैं वो इस टाइप के हमने लगवाई हैं, वाइट कलर की टाइल्स हैं, देखने में बहुत ही सुंदर है। और जब ये टाइल लगी थी ना, उसके बाद जो किचन का हाल था वो मैं आपको बता नहीं सकती। पूरी किचन में सफ़ेदी छा गई थी और इसको साफ़ करने में मुझे पूरे 9 घंटे लगे थे। मतलब मैं सुबह 9 बजे के घुसे घुसे शाम को 6 बजे किचन में से फ्री हुई हूँ। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से साफ़ करनी पड़ी थी। और आज हम हाथों जा नहीं पाए कहीं घूमने, लेकिन मुझे राखी और वान्या का बर्थडे आ रहा है, तो उसके बर्थडे के लिए थोड़ा सा सामान लेकर आना था डेकोरेशन का। तो इसलिए फिर मैं सदर गई थी और सदर से थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लेकर आई थी। तो मैं अब सदर चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ और हमने सदर में कितनी भीड़ है इस टाइम पे, रौनक कितनी ज़्यादा लगी हुई है सदर में। तो वो सब दिखाते हैं और किचन देखिए अब कितनी साफ़ सुथरी, कितनी बढ़िया लग रही है। और चलिए चलते हैं फिर सदर और मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और फिर हम शॉपिंग करके आते हैं। मुझे बेसिकली राखी लेनी है और थोड़ा सा वान्या के लिए बर्थडे के डेकोरेशन का सामान लेना है। वैसे तो मेरे पास है सामान, लेकिन थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लेना है। अब आप देखिए, हम अपनी गली में से बाहर निकले और गली में से बाहर निकलते ही यहाँ पे कितनी ज़्यादा चहल पहल है। मतलब चारों तरफ भीड़, इतना ज़्यादा रश था ना सदर में तो, कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ही शूट करा है सदर का, लेकिन जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया मैंने करा। अब हम यहाँ पे आप सामने देखेंगे तो हम 12 टूटी चौक पहुँचने वाले हैं। 12 टूटी चौक के आगे ही अब यहाँ पे आपको सामने बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे सदर में एंट्री हो गई है हमारी और अब हम सदर में जा रहे हैं। ये देखिए सदर में कितनी ज़्यादा भीड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे आधी दिल्ली यहीं पर बसी हुई है। और अब हम ये आ गए थे तौलिया वाली गली में, छोले भटूरे वाली गली भी कहते हैं इसको। और हम यहाँ से फिर जो शॉप थी डेकोरेशन वाली उसमें गए थे और यहाँ पे फिर हमने सामान लेना शुरू करा था। यहाँ पे हमने सामान सारा ले लिया था और भैया जो थे वो अब हिसाब लगा रहे थे कि हमने जो जो सामान लिया वो कितने का पड़ा। सारा सामान मैंने बेसिकली बलून्स लिए थे, बलून पंप लिए थे और जो बैकग्राउंड का डेकोरेशन था उसका थोड़ा सा सामान लिया था। उसके बाद हम राखी लेने चले गए थे, राखी ली थी और थोड़े से बैंगल्स लिए थे। एक्चुअली मुझे अभी मैंने जो डिसाइड करा है वो मैंने डिसाइड करा है वो मैं आपको वान्या के बर्थडे वाले दिन बताऊंगी। और मैंने यहाँ पे लिए हैं पीछे जो कर्टन्स होते हैं कलरफुल, वो लिए थे 2 सिल्वर और मजेंटा कलर के। और ये दोनों से ही मैं पीछे का बैकग्राउंड जो है वान्या के बर्थडे पे वो डेकोरेट करने वाली हूँ। और ये कुछ बलून्स हैं, ये यूनिकॉर्न शेप के बलून्स हैं। इसमें 3 यूनिकॉर्न हैं, 2 छोटे यूनिकॉर्न हैं और इनके ऊपर स्टार्स हैं और एक है बड़ा यूनिकॉर्न। तो ये फुलाए जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा लुक दे देंगे जो मैंने सोचा है उस हिसाब से। और ये है हैप्पी बर्थडे, पिछली बार मैंने फॉइल बलून वैसे लिए थे हैप्पी बर्थडे वाले गोल्डन कलर के, लेकिन उससे बेटर मुझे ये ऑप्शन लगा था तो इसलिए मैंने इस बार ये अपना चूज़ करा है। और ये हैं यहाँ पे बलून, कलरफुल बलून्स लिए हैं मैंने, सारे मल्टी कलर के हैं और 3 पैकेट लिए हैं। एक पैकेट में 50 बलून्स हैं तो 150 बलून आई गेस इनफ हैं फॉर डेकोरेशन। और फिर मैंने लिए थे गोल्डन कलर की चुन्नी, इससे मैं जो केक कटिंग का जो मैं एरिया कवर करूँगी डेकोरेशन का, उसका बैकग्राउंड मैं इन दुपट्टों से थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। सोचा जो है अगर उसके अकॉर्डिंग हो गया तो मैं फ़ोटो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि क्या मैंने सोचा था।
और अगर नहीं हो पाया तो फिर जैसे डेकोरेशन हो गया आप देख ही लोगे। और ये दो लिए थे बलून पंप, एक्चुअली बलून पंप पहले थे लेकिन वो गुम हो गए थे। और फिर मैंने ये ली थी राखियाँ जो मैं अपने भाई को दूंगी, एक्चुअली भैया वान्या के बर्थडे पर ही आएंगे और राखियाँ हम 12 की सेलिब्रेट करेंगे तो मैं उनको दे दूंगी। और ये हैं भाभी की राखियाँ, तो ये भाभी की राखियाँ हैं और भाई की राखियाँ हैं। ये ली थी हमने सदर से। और मैंने थोड़े से बैंगल्स लिए थे, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैं लेकर आई थी डिप्टीगंज से, ये है सी ग्रीन कलर के स्टोन, मतलब ऐसा लगता है जैसे क्रिस्टल स्टोन के ये जो हैं बैंगल्स हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं पहनने के बाद और मुझे अच्छे लगे थे तो मैं ये भी ले आई। एक्चुअली मैंने अपनी साड़ी के मैचिंग के लिए हैं और ये है मेरी सूट की मैचिंग के। अब मैंने ये दोनों इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं अगर उस दिन मौसम अच्छा रहा तो मैं साड़ी वेयर करूँगी, अदरवाइज़ के कटिंग के टाइम पे, अदरवाइज़ अगर मैं बहुत ज़्यादा थक गई तो फिर मैं सूट ही पहन लूँगी। और ये बैंगल्स भी मैं, ये ग्रे कलर के हैं, ये दिखने में तो आपको ब्लैक लग रहे होंगे लेकिन ये डार्क ग्रे कलर के हैं। तो अब हो जाते हैं हम केक कटिंग के लिए रेडी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं। और ये है मेरा फाइनल लुक, अभी आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मम्मी बाते ध्यान रखना, हाथ छुए ना ये। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे लावण्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बर्थडे व्लॉग, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा बर्थडे व्लॉग कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।